हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक इन इन्वेस्टमेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जियो पेज जो वेब ब्राउज़र था जियो की तरफ से आता था, आप अपने स्मार्ट टीवी में ब्राउज कर सकते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, अब वो जियो स्फीयर के नाम से आ गया है। इससे आप अपने वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस का आनंद जो है ले सकते हैं स्मार्ट टीवी में। ये गूगल प्ले पे आपको सिंपली मिल जाएगा, टीवी के गूगल प्ले स्टोर में। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके लिए आप इस जियो स्फीयर ऐप को प्ले स्टोर में सर्च कर लीजिएगा, वो आपको आता होगा। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जियो स्फीयर में क्या क्या आपको बेनिफिट मिल जाता है इसके आपको फिर से एक बार बता देते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड मोड है, स्टडी मोड है और इनकॉग्निटो मोड भी है। ब्राउज प्राइवेटली, अगर आप हिस्ट्री वगैरह नहीं रखना चाहते हैं तो आप इनकॉग्निटो मोड में भी आप ब्राउज कर सकते हैं। स्टडी विदाउट डिस्ट्रैक्शन, यहाँ पे आपको स्टडी मोड भी है और स्टैंडर्ड मोड भी आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए थोड़ा सा इसका क्लोजअप करते हैं। जियो स्फीयर यहाँ पे आप लोगों देख पा रहे हैं, ये पहले जियो पेज के नाम से, वेब ब्राउज़र के नाम से आपके स्मार्ट टीवी में आता था। अब आप जियो स्फीयर से अपने स्मार्ट टीवी में ब्राउज कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा क्लोजअप आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, स्टैंडर्ड मोड हो गया, डिफ़ॉल्ट ब्राउजिंग मोड है, स्टडी मोड है और इनकॉग्निटो मोड है। स्टैंडर्ड मोड में हम आपसे बात करते हैं। चलिए सेलेक्ट द मोड, हमने स्टैंडर्ड मोड सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कुछ भी, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, और यहाँ से आप वॉइस कमांड भी दे सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, चलिए आप कुछ वॉइस कमांड देते हैं। ओपन गूगल प्ले स्टोर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, गूगल में सर्च हो गया है। यहाँ पे आप गूगल प्ले स्टोर और भी कुछ भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और ये आपका रिमोट जो है, ये माउस की तरह ये वर्क कर रहा है, जिससे आपको पॉइंट करने में सुविधा होगा। यहाँ फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे आप वीडियो मोड है, इंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, काफ़ी सारे इसमें मोड है, न्यूज़ है जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, और स्टडी मोड है और क्विक लिंक्स है। क्विक लिंक्स में फ्रेंड्स काफ़ी सारे इसमें आपको लिंक्स मिल जा रहे हैं, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ट्रिप एडवाइज़र, अमेज़ॉन, बहुत सारे इसमें आप शॉर्टकट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से बिना कुछ टाइप किए हुए। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करेंगे, ये होम मोड है। अगर जियो सिनेमा ऐप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बफरिंग में या कुछ भी, अभी टाटा IPL चल रहा है, तो आप यहाँ से भी आप जियो सिनेमा ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। बस आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छे से चलेगा। तो आप अपना प्रोफाइल चेक कर लीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड, प्रोफाइल चेक करने के बाद, और जियो सिनेमा का आप प्रीमियम पैक भी ले सकते हैं, जैसा कि है अभी जियो सिनेमा आपको ये राइट्स देता है IPL फ्री देखने का। अब ये कब तक रहता है वो तो बात की बात है। तो चलिए हम बैक चलते हैं। जी हाँ फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे MI प्ले स्टोर है, मिंत्रा है, नौकरी है, बुक माई शो है। ये काफ़ी अच्छा और कन्वीनियंट वे है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और APK वगैरह कोई फाइल अगर आपको अपने TV में इंस्टॉल करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम वॉइस कमांड दे देते हैं, सिंपली गूगल क्रोम APK फाइल, सॉरी APK फाइल यहाँ पे सर्च हो गया, कोई नहीं। तो यहाँ से हम फिर से वॉइस कमांड दे देते हैं, यहाँ पे अलाउ कर दीजिए, यहाँ पॉइंटर लाना पड़ेगा, गूगल क्रोम APK फाइल। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्च में आ गया है, और यहाँ से आप गूगल क्रोम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई सा भी APK फाइल आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी में। आई थिंक फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ टेक इन इन्वेस्टमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा,
ओके फ्रेंड्स, योर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।